मेरे प्यारे दोस्तों, जो जो जॉब वाली प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, ये सक्सेस स्टोरी आपके लिए है। इसे एक साइन समझिए यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि वीडियो क्लिक करना ये देखना एक को इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि ये क्लियर साइन आपके लिए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, देखो मैं जॉब तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर आपको दे रहा हूँ कि अगर आपने वो थॉट सोचा कि भैया मुझे जॉब चाहिए और ये वीडियो आपको दिखा है, ये सक्सेस स्टोरी आपको मिल रही है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। कमेंट में सबसे पहले लिख दीजिए, आई विल मैनिफेस्ट माई ड्रीम जॉब। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की सक्सेस स्टोरी में, जहाँ पर हम जानेंगे कैसे हमारे स्टूडेंट ने मैनिफेस्ट कर ली उनकी ड्रीम जॉब। चलिए शुरू करते हैं आज की सक्सेस स्टोरी। मेरे प्यारे दोस्तों, सक्सेस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हो भैया? 2023 भी आने वाला है, फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपको मिलती रहे, जिंदगी बेहतर नहीं जिंदगी खूबसूरत बनती रहे। चले सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम आज की सक्सेस स्टोरी जो हमें भेजी है सुमित आचार्य ने। सुमित ओडिशा से हैं। सुमित लिखते हैं, ऋषभ सर आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपकी सारी टीम को, जो कि बहुत हेल्पफुल है। सर, मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और कोई ना कोई बीमार रहता था। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। मैं एकदम थक गया था, क्योंकि लगा कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। एक दिन यूट्यूब देखते हुए आपकी एक वीडियो सामने आई और मैं देखने लगा एक के बाद एक वीडियोस। मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ और मैंने आपकी हेल्पलाइन में बात की। वहाँ मेरी बात अक्षय सर से हुई। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सुनी और मुझे श्री कामाख्या देवी यंत्र सजेस्ट किया और मैं उनसे बात करके काफ़ी पॉजिटिव फील किया। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बार इस्तेमाल किया है, लेकिन कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरे लिए काम नहीं किया। तब मुझे अक्षय सर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डीप नॉलेज दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है। मैं ऋषभ सर का थैंक यू कहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे सिखाया बताया, आज तक मैंने कभी इस नज़रिए से इसे नहीं देखा था, जिसकी वजह से मैं कभी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाया। मैंने कामाख्या यंत्र लेने से पहले 30 डेज सिर्फ विजुलाइजेशन किया था कि जो लड़ाई झगड़े मेरे घर में हो रहे हैं वो बंद हो जाए। आप बिलीव नहीं करोगे कि सिर्फ 12 दिन में सर का दिया हुआ वो मेडिटेशन मेरे बहुत काम आया। घर में न जाने सब जैसे शांत हो गया, सर के ऊपर मेरा बिलीफ और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। अब साथ ही साथ फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और जब माता रानी कामाख्या का नाम आया तो मैं बताना चाहूँगा, माँ कामाख्या हमारी कुल देवी है, तो मुझे एक ये साइन लगा कि ये कोई माता रानी का इशारा है जो मुझे कह रही हैं कि यही चीज़ मेरी लाइफ को अच्छा बनाएगी। तो मैंने कामाख्या यंत्र लिया और जो रिचुअल सर ने बताया उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फॉलो करने के बाद भी 9 दिन 10 दिन 12 दिन रिजल्ट नहीं मिला उस टाइम। उसका रीज़न था कि मैं इतना नेगेटिव हो चुका था पहले बहुत चीज़ें फॉलो करके, लेकिन फिर अक्षय सर ने मुझे बहुत ही शांति से समझाया कि हर चीज़ में वक्त लगता है। उन्होंने मुझे अच्छा टाइम देकर बहुत ही डीप में सारी बातें समझाई। मैंने फिर से रिचुअल स्टार्ट किया। फिर 15 दिन के बाद चीज़ों में जो बदलाव नज़र आया वो एक मैजिक से कम नहीं था। मेरे अंदर उम्मीद बढ़ने लगी। 2 मंथ्स के अंदर अंदर मेरी जॉब लग गई। उसके बाद सारी चीज़ें ठीक होने लगी। अब हमारी फैमिली खुश है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं ऋषभ सर और अक्षय सर। मैं आपको और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद ऋषभ सर एंड अक्षय सर। जय माँ कामाख्या। सबसे पहले जय माँ कामाख्या। और जैसे आपने जिक्र किया कि माँ कामाख्या आपकी कुल देवी हैं, तो जब
कुल देवी मैया कामाख्या आपके पास हैं तो आपको किसी के भी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कामाख्या यंत्र ना ही केवल घर के झगड़ों में, पैसों में, फाइनेंशियल कंडीशन में, अब सीधी सी बात है आप जवान हैं, कल प्रेम भी होगा तब भी ये यंत्र आपके काम आएगा, क्योंकि माँ कामाख्या साक्षात आपके घर में निवास करेंगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो आपकी कुल देवी हैं। कुल देवी सबसे पहले रक्षा के लिए आती है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ आपके इतने प्यारे प्यारे शब्दों का। बस मैं यही कहूँगा कि आपके कुल देवी का चमत्कार है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। आपका जीवन खुश रहे, खुशहाल रहे, बहुत सारी सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर पाएँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी लोग परेशान हैं, क्योंकि देखिए हमारी लाइफ के बहुत सारे पिलर्स होते हैं, जिसमें अगर घर में झगड़ा चल रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो हमारे जो पिलर्स हैं वो डगमगाने लगते हैं, विश्वास टूटने लगता है। लेकिन यही सबसे कठिन परिस्थिति है आपके विश्वास को बनाए रखने की, क्योंकि यही विश्वास आपको मंजिल तक लेके जाएगा। आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें मैनिफेस्ट करना बच्चों का खेल लगेगा, अगर आप बस एक छोटा सा अफर्मेशन रट लीजिए कि मुझे ज़िंदगी बेहतर नहीं, ज़िंदगी खूबसूरत बनानी है। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।